नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आरजीपीवी डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर में पूछा गया है। तो 21 अप्रैल से भोपाल में डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल ईयर फार्मेसी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो यहाँ पर टाइम है वो 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का पेपर होता है। तो देखिए हम यहाँ पर नोट को पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट टोटल 6 क्वेश्चन, तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंपलसरी है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि डिफाइन द टर्म प्रोकाइनेटिक विद 2 सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि प्रोकाइनेटिक क्या होते हैं और इसका 2 एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 4 ड्रग अंडर कैटेगरी डायूरेटिक्स। तो आपको बताना है कि डायूरेटिक्स के अंदर आपको 4 ऐसी मेडिसिन का नाम देना है, ड्रग का नाम देना है, जो कि डायूरेटिक कैटेगरी में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 4 ADR ऑफ फेनिटोइन। तो जो हमारा फेनिटोइन ड्रग है इसके आपको 4 एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन टर्म कार्डियोटॉनिक विद एग्जांपल ऑफ ड्रग इन दिस क्लास। तो आपको बताना है कि कार्डियोटॉनिक क्या होता है और इसके आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव कॉमन यूजेस एंड डोजेस ऑफ ओमीप्राजोल। तो ओमीप्राजोल का डोज क्या है और उसका यूज क्या है ये आपको बताना है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इन ईच क्लास। तो आपको बताना है कि एंजाइम इंड्यूसर कौन सी ड्रग होती हैं और एंजाइम इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती हैं, इनके आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपको 10 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है और यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन है वो 3.5 नंबर का है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको 14 नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस इन ब्रीफ नोट ऑन प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो आपको बताना है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या होता है, तो इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। तो आपको यहाँ पे एस्पिरिन का फार्माकोलॉजी बताना है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि एस्पिरिन क्या होता है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, डोज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो सही रहेगा। उसके बाद अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्लासिफाई एंटी कैंसर एजेंट्स विद एग्जांपल ऑफ ईच क्लास। तो आपको बताना है कि एंटी कैंसर यानी कि एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं और इनका आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रीनेलिन। तो आपको यहाँ पे एड्रीनेलिन का आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है। इलाबोरेट टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट। तो आपको बताना है कि इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। तो यहाँ भी आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं और एक क्वेश्चन का जो यहाँ पे शॉर्ट नोट का नंबर है वो है 3.5। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको यहाँ पे 14 नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आपको बताना है कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, तो ये एक ज्वाइंट डिसऑर्डर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंटी अल्सर एजेंट। तो आपको बताना है कि एंटी अल्सर एजेंट्स क्या होते हैं और इसमें आप चाहें तो इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे तब आपको यहाँ पे बड़े आराम से 3.5 नंबर मिल जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन है वो है पार्किंसन डिजीज। तो आपको बताना है कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेक्टोरेंट और एंटी डायरियल। तो इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करना था। अब चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पूछा गया, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे पहले पूछा गया है, मेंशन वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे रूट्स हैं जहाँ से कि जो भी ड्रग्स हैं उनको दिया जाता है। तो आपको पता है ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, आईवी रूट, तो ये सारे रूट होते हैं और इनके आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस क्वेश्चन में लिखने हैं। ये एक क्वेश्चन 7 नंबर का है और इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पूछा गया, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। तो आपको मॉर्फिन का फार्माकोलॉजी बताना है, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ हिस्टामिन। तो यहाँ पे आपको हिस्टामिन का भी आपको फार्माकोलॉजी बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको यहाँ पे 14 नंबर मिल सकता है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पूछा गया है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिव ए शॉर्ट आंसर ऑन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो आपको
बताना है कि हाइपोग्लाइसमिक एजेंट क्या होते हैं और आपका इसको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख देना है तो आपका काम चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस इन शॉर्ट फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो आपको बताना है कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं और इनकी फार्माकोलॉजी आपको लिखनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट नोट ऑन 5HT, तो आपको बताना है कि 5HT क्या होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इलाबोरेट टर्म न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो आपको बताना है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, तो आप एनीमिया को कैसे ट्रीट करेंगे इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ आप दिया गया है राइट शॉर्ट नोट एनी 4, तो यहाँ भी टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपको 4 पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो आपको बताना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, एनालेप्टिक क्या है, प्लाज्मा एक्सपेंडर क्या होते हैं, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट। तो इसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है और यहां भी आपको 14 नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर दिया गया गिव ए शॉर्ट आंसर ऑन एंटी थायराइड ड्रग, तो आपको बताना है कि एंटी थायराइड ड्रग क्या होती है और आपको यहां पे इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी लिख देना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन पेनिसिलिन, तो आपको बताना है कि पेनिसिलिन क्या होती है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बताना होगा एंटीबायोटिक क्या है और यहाँ पे पेनिसिलिन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगले यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स विद एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास, तो आपको बताना है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एंड क्लासीफाई परगेटिव विथ ए ब्रीफ नोट ऑन बल्क लैक्सेटिव, तो आपको बताना है कि यहाँ पे परगेटिव क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है बल्क लैक्सेटिव क्या होते हैं और इनका एग्जाम्पल आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन एपिलेप्सी, आपको बताना है कि एपिलेप्सी क्या होती है, क्लासीफाई एंटी कन्वलसेंट, तो आपको बताना है कि एंटी कन्वलसेंट यहाँ पे एजेंट्स क्या होते हैं और उनको क्लासिफाई करना है और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है किसका, सोडियम वेलप्रोएट का। तो ये फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का, जो कि RGPV के एग्जाम में इस साल पूछा गया है। तो देखिए जो हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपकी बैक ना लगे तो आप इन सारे क्वेश्चन को ठीक से तैयार करें, क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से शेयर करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।